तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग 11 से ऋतुराज गायकवाड़ की होगी छुट्टी। ईशान किशन के साथ ओपन करेगा ये बल्लेबाज। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला कटक में खेला गया। आपको बता दें, भारतीय टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए थे। दिए गए लक्ष्य को साउथ अफ्रीकी टीम ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया और भारतीय टीम को 4 विकेट से हरा दिया। तीसरा टी20 मुकाबला 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दरअसल शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला खामोश रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले मुकाबले में जहां 23 रन बनाए थे, तो दूसरे मुकाबले में वो महज एक ही रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे टी20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जाएगा। वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन की जोड़ी तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपन करती हुई नजर आएगी। उम्मीद है कि ये जोड़ी भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाएगी और सीरीज में भारतीय टीम की वापसी होगी। आपको क्या लगता है, तीसरे टी20 मुकाबले में कौन से दो खिलाड़ियों को ओपन करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।